गाइस आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो गाइस अगर आप काइट ऐप के जरिए ट्रेडिंग करते हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो सो आपको इस टाइप का देखने को मिल सकता है कि जैसे यूज्ड मार्जिन हो गया जिसमें आपका नेगेटिव में अमाउंट रहेगा एंड साथ ही में गाइस यहां पे आपको एक और देखने को मिलेगा डिलीवरी मार्जिन का। सो इन दोनों का क्या मतलब रहता है और ऐसा आपको क्यों देखने को मिलता है सो यहाँ पर मैं आपको फुल प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगा सबसे पहले पोर्टफोलियो में, क्योंकि इसी जगह से आपको यहाँ पे जो भी आपका यूज्ड मार्जिन और जो भी डिलीवरी मार्जिन रहता है उसको देखने को मिल जाता है। सो गाइस अभी यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे कोल इंडिया का शेयर्स था जो कि इसको मैंने सेल कर दिया वो भी 200 क्वांटिटी में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी यहाँ पे 0 क्वांटिटी दिखा रहा है और बाकी जो भी मेरा होल्डिंग वाला शेयर्स था यहाँ पे आप पोजीशन में आके देखोगे सो दिखा रहा है सोल्ड होल्डिंग, यानी जो भी मेरा होल्डिंग है उसको मैंने बेच दिया है। एंड बाकी अभी यहाँ पे प्रॉफिट क्यों शो कर रहा है सो गाइस अभी यहाँ पे आप देखोगे मैंने इसको सेल किया था 310 रुपये पे मॉर्निंग पे एंड अभी इसका करंट प्राइस चालू है 308 रुपये, जिसकी वजह से गाइस मैंने इसको हाई पे सेल कर दिया, प्राइस आ गया नीचे जिसकी वजह से यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एंड जो भी प्रॉफिट रहता है इसको आपको कुछ भी कहना नहीं, ऐसा का वैसा छोड़ देना है। जब भी आप कोई भी होल्डिंग शेयर्स को सेल करोगे सो यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि आपका एक पोजीशन चालू है, बट इसको हमें इग्नोर करना रहता है, इसको आपको कुछ भी नहीं कहना है। जो भी आपका प्रॉफिट रहता है सक्सेसफुली बुक हो जाता है, आपको नेक्स्ट डे यहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट में मिल जाता है। एंड बाकी गाइस क्वांटिटी भी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 200 क्वांटिटी सेल कर दिया है 310 पे। अभी गाइस यहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगा सीधा फंड्स में। जैसे आप फंड्स में आओगे सो यहाँ पे आपको यूज्ड मार्जिन देखने को मिलेगा जो कि रहेगा माइनस में। अभी गाइस यहाँ पे मेरा जितना भी क्वांटिटी था उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा कितना यहाँ पे वैल्यू बढ़ रहा है। सो यहाँ पे आप देखोगे मेरा यहाँ पे वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है 50 से 60 हज़ार रुपये का, बट मुझे यहाँ पे सिर्फ अवेलेबल हुआ है 49,600 रुपये। मेरा यहाँ पे पहले बिल्कुल जीरो बैलेंस था, कुछ भी अवेलेबल नहीं था एंड जैसे यहाँ पे मैंने शेयर्स को सेल किया उसके बाद यहाँ पे अवेलेबल हो गया है 49,600 रुपये और बाकी यहाँ पे माइनस में भी दिखा रहा है। सो गाइस जब तक कोई भी शेयर्स को आप सेल करते हो फिर वो चाहे आपका FNO का पोजीशन हो, शेयर्स हो, कोई भी हो, उसका जब तक सेटलमेंट नहीं होता है सो यहाँ पे आपको यूज्ड मार्जिन में देखने को मिलता है। एंड बाकी गाइस यहाँ पे आपको डिलीवरी मार्जिन देखने को मिलेगा जो कि गाइस ऐसा रहता है कि जो भी आपका शेयर्स का वैल्यू रहता है सो सबका 100% रहता है। सो 100% में से 80% आपको इंस्टेंट मिल जाता है जो कि यहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट में देखने को मिलेगा एंड बचता है 20%। सो 20% आपको नेक्स्ट डे देखने को मिल जाता है फिर रात में 8 से 9 बजे के बीच में जो भी आपका डिलीवरी वाला मार्जिन रहता है सो आपको डीमैट अकाउंट में फिर मिल जाता है। एंड गाइस जब तक इसका पूरा सेटलमेंट नहीं होता है सो यहाँ पे आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा डिलीवरी मार्जिन और यूज्ड मार्जिन। तो जो भी डिलीवरी मार्जिन रहता है और यूज्ड मार्जिन रहता है इससे कुछ भी ऐसा डिसएडवांटेज नहीं होता है, इससे आपको कुछ भी लॉस वगैरह नहीं होता है। सक्सेसफुली सेटलमेंट होने के बाद यहाँ पे आपको पूरा पैसा जो भी आपका प्रॉफिट रहता है और कैपिटल रहता है सब यहाँ पे आपको फंड में देखने को मिल जाएगा इस लेवल पे। एंड उसको फिर आप इजीली यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। एंड गाइस अभी अगर आप विड्रॉ करने जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपका प्रॉफिट रहता है फिर कैपिटल वाला अमाउंट रहता है शेयर्स का बेचने के बाद सो जब तक उसका पूरी तरह से सेटलमेंट नहीं होगा तब तक यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक बार सेटलमेंट हो जाएगा सो यहाँ पे आपको फिर विड्रॉल बैलेंस देखने को मिलेगा एंड उसको आप अपने बैंक अकाउंट में फिर विड्रॉ कर पाओगे। सो गाइस यही रहता है आपका यूज्ड मार्जिन और डिलीवरी मार्जिन। सो गाइस अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों देखने को मिलता है। एंड बाकी गाइस यहाँ पे आप देखोगे नीचे और भी कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे आपको डिलीवरी मार्जिन और यूज्ड मार्जिन देखने को मिलता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी इसी के बारे में मुझे आपको फुल प्रूफ के साथ दिखाना था। एंड बाकी गाइस अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है फिर प्रॉब्लम आता है सो मुझसे आप कमेंट पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।